sure, why not? And मैं सो गई आते सारी और मैंने अपना ब्रेकफास्ट होगा पता नहीं, हाँ ब्रेकफास्ट होगा वो मिस कर दिया क्योंकि मैं सो गई थी. But now I got tea, with lemon cake और वाईफाई कनेक्ट हो गया 1 आवर के लिए. अगर मुझे 1 आवर से ज़्यादा चाहिए आप तो पे लाइक पैकेज है 1 आवर से. अगर 1 घंटा और चाहिए तो 8 यूरोस पे करो. अगर मुझे सर्फिंग करनी है तो 18 यूरोस. अगर मुझे स्ट्रीमिंग करनी है जैसे कि यूट्यूब वगैरह चलाना है तो 30 यूरोस. और मिस्टर शर्मा कहते हैं चुपचाप करके बैठ जाओ और सो जाओ चुपचाप करके, फालतू के पैसे मत वेस्ट करो. सोच लो पैसे वेस्ट करूँ या ना करूँ. So, देखते हैं. Anyway, बहुत मिस कर रही हूँ उसको, बहुत 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 ज़्यादा. बट मम्मा आ जाएंगी कल तो थोड़ा अच्छा लगेगा. स्टिल लॉन्ग डिस्टेंस अगैन. बट आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस. बहुत हाय फ्रेंड्स, तो तैयारी हो चुकी है ब्रेकफास्ट की. मेरा लाल मेरी प्रिंसेस उठ के आ चुका है, पर इससे पहले मैं और मेरा पति ब्रेकफास्ट कर चुके हैं. तो अब हमारी गुलाबो रानी प्रिंसेस आ चुकी है ब्रेकफास्ट के लिए और वो हंस रही है कि उसकी मम्मी भी ऐसे बोल रही है. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. ये सच में मैं चुपके से 2 बारी इसको देखने के लिए गई थी. ये सो रहा था बट ही वाज स्लीपिंग इन अ वेरी साउंड स्लीप. तो ये जितने भी नाम है, ये गुलाबो रानी प्रिंसेस, ये लिटरली मेरे घर के नाम है. बापू भी उड़ गया और मेरे से लिटरली पता क्या हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ और 2 लोग बैठ के मुझे सिर्फ निहार रहे हैं कि ये भाई साहब खाना खा रहे हैं और हम इसको बैठ के भी देख रहे हैं. खुश है ये दोनों. ना अब हमारी गुलाबो प्रिंसेस कहीं दूर चली गई है तो हमें पूरा एक मम्मा लोग गुलाबो प्रिंसेस लिखने लग जाएंगे. ये सिर्फ मम्मा के लिए, ओनली फॉर मम्मा. मेरे को लिटरली लोग प्रिंसेस बोलते हैं और क्योंकि मेरी सिस्टर रफ एंड टफ भी देखो कितने छोटे-छोटे हैं ना. मम्मा मेरे हाथ बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं. ये माँ की ममता है गाइस, माँ की ममता है. तो मैं यही बता रहा था कि मेरी सिस्टर हैव बीन ऑलवेज बीन रफ एंड टफ, ठीक है. आई वाज द सेंसिटिव वन. तो घर पे सबने मेरा नाम प्रिंसेस ही रख दिया. प्रिंस भी नहीं, प्रिंस से भी गया गुजरा, प्रिंसेस ही है ये. नहीं, गया गुजरा नहीं बोल सकता. प्रिंसेस बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए हमने तेरा नाम प्रिंसेस रखा है ना. बेड पे बैठ के खाना है, बेड पे बैठ के हैंड वॉश करने हैं. नहीं कोई क्या मैं सब कुछ खुद कर लेता हूँ. नहीं, आप सब कुछ करता है क्या कीरत के लिए. जब मम्मा का टाइम था तो ये वाज ऑन बेड. गाइस, ये चैनल जो है वो फूफू कुकू से शिफ्ट होके सास और बहू के दुखड़े इस बात पे शिफ्ट हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, नहीं। सास बहू बहुत खुश है, बेटा बहू बहुत खुश है. बट सास के दुखड़े थे लाइक अपनी बीवी के लिए सब करता है ये. अपनी बीवी के लिए क्या चाऊ पाऊ करता रहता है कि वो इतने प्यार से करती है तो ऐसे मेल्ट हो जाता है. फिर एक दिन की रहता है कहती है मामा चू चू चू, मम्मा ऐसे देख रही है, हाय कितनी प्यारी है ये. तो मैंने मम्मा को कहा आप कैसे मेल्ट हो गए. फिर कीरत का ऑरा ही ऐसा है कि सबको देखते प्यारा. मम्मा कहेगी बातें तो मेरी कर रहा था, बीवी की तारीफ कैसे शुरू होगी. अरे कितनी फोरेट पे किसकी करते हो यार. मुझसे पूछो आपने देखा इसको आज कितने सारे डेज हो गए, इसने एक बार भी किसी करी मेरे को. हाँ इतनी किस्सियाँ करता है मैं कि अगर मम्मा को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर मम्मा कीरत को कम प्यार करे ना, फिर मम्मा खुद ज्यादा प्यार करते कीरत को. हाँ वो प्यार लेती है और प्यार देती भी है. वो बहुत प्यार लेती है और बहुत प्यार देती है. मम्मा बहुत प्यार देती है. तू नहीं बोले. आज मेरा क्या प्लान है. आज आपकी सिस्टर की तरफ से आपको इनवाइट है स्विमिंग के लिए और उसके बाद आपका सिस्टर और आपका जीजा जी आपको डिनर के लिए. तो आप लोग नहीं चल रहे डिनर. नहीं, ऑल 3 ऑफ यू एंजॉय. नहीं, मैं आपके बिना कैसे एंजॉय करूंगा. चलो साथ में टिशू और गौरव एंजॉय करो. नहीं तो आज सुबह उठ के जिम जाने का प्लान था, और गेस करो मैं 8 बजे उठ भी गया, पूरा फ्रेश था मैं। हाँ, फिर मैंने कहा 8 बजे उठ गया तो कुछ ज्यादा जल्दी उठ गया एक्सपेक्टेशन से, थोड़ी देर और सो जाता हूँ। उसके बाद मैं सो के 1:30 बजे उठा मैं, ठीक है, कि मेरे को ऐसे मैं कहा 8 बजे तो बहुत जल्दी हो गया, अभी क्या करूँगा जिम जाके। सही बात है, बट अब मेरे को लग रहा है आज स्विमिंग कर लेते हैं, जिम कल से शुरू करेंगे, रात को भी जिम देख सकते हैं, देखते हैं प्लान बनाते हैं कुछ, बट काम भी करना है। आज ना फ्रेंड्स मैं शायद आपके तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ कि जब फ्यांशु छोटा था ना, ये वाज इन 3rd and 4th और थोड़ा सा इससे शायद बड़ा होगा, तो मुझे किसी ने बोला था आपका बेटा जो है ना वो इतना लकी होगा और ही विल डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू, और पर वो इतना, तो मैंने कहा ऐसा क्या करेगा भाई, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बड़े पॉजिटिव वे से कि आपको उसके नाम से लोग आपको पहचानेंगे, अरे आप फ्यांशु की मम्मा हो। तो आज ही लाइक जैसे जब ब्रेकफास्ट किया था ही वॉज ऑन रेस्ट, तो मुझे किसी का फ़ोन आया दिल्ली से, तो बड़े नोन हमारे कम से कम 15-16 साल से मैं उनके साथ लिंक में हूँ, तो उन्होंने बोला मैम हमने आपकी आवाज़ सुनी, आप ब्रेड पकौड़ा दिखा रहे थे, आपकी फिंगर जल गई, तो आई वॉज, मैंने एकदम उसको रिकलेक्ट कर लिया कि अच्छा आप व्लॉग में, कहते हाँ मेरी वाइफ बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है आपके बेटे की, और यू आर सो ब्लेस्ड, आपका बेटा और डॉटर इन लॉ इतने प्यारे, हम उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आप मानोगे नहीं, छोटी सी बात है, बट मेरे सारे गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा हाँ सच में कितना, ये कितनी सच बात है कि आपके बेटे के नाम से आपको पहचानेंगे लोग। तो मुझे मुझे सारे आपके नाम से पहचाने, दोनों बच्चे गौरव एंड किशु एंड प्यांशु एंड तीरथ, सब हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हमारे पिछले 3 दिन से सिर्फ यही टॉपिक चल रहा है, मम्मा आप काम बंद कर दो, आप काम बंद कर दो, आपने बहुत काम कर लिया। तो आई एम सो प्राउड, मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है कि नहीं आई एम नॉट दैट ओल्ड कि मुझे अभी बंद करना है काम, बट वो मैं बच्चों की फीलिंग को समझती हूँ जिन्होंने देखा होता है अपने पेरेंट्स को। गाइस हमने एक प्लान किया हुआ है, ठीक है, आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा, कुछ ट्रायल चल रहा है, ठीक है, अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो फिर बस, फिर आपको बताऊंगा। अभी नई है ना, सब बता देते हैं जो कल रात को प्लान हुआ है। हमें आदत हो गई है, हम कहते हैं भाई अभी रुक के बाद में बम फोड़ेंगे, अभी काम होने दो। मम्मा एक्साइटेड हो जाती है ना। चलो अब ये बताओ कि खाने में क्या बनाया आपने, व्हाट इज दिस? आज मैंने आपके वेरी यम्मी टेस्टी पोटैटो सैंडविचेस बनाया, व्हिच इज फुल ऑफ पीनट बटर, ओके, कुकम्बर, नाइस एंड अनियन, नाइस लिटिल लेयरिंग ऑफ पोटैटो मिक्सचर, ओके। ये हेल्दी जाते जाते चिप्स क्यों रख दिए बेटे के लिए? हेल्दी के साथ थोड़ा क्रंची भी हो जाए, क्रंची भी हो जाना चाहिए। आई लव यू मम्मा। पहुंच गए दोस्तों, पहुंच गए। ये क्रो भाई साहब कहाँ से आ गए अंदर? अभी सैंडविच खत्म नहीं हुआ था और पिताजी प्रॉपर बनाना शेक ले आए। मेरे को वापस भी जाना है दोस्तों, मैं कैसे जाऊंगा इतने सारे लाड प्यार के बाद? हम तुझे कैसे भेजेंगे हमसे पूछ, पर हम अपने लाडो को बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आगे कीरत को बहुत पैम्पर करता है। मामू इज हियर। ओ बेबी, ओ हेलो, हेलो 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 छोनिया बुबू, ओ ओ ओ हां गाइस बहुत ठंड है भाई। मैंने सोचा था वैंकूवर का मौसम थोड़ा चेंज हुआ होगा, बट नहीं, अभी भी उतना ही ठंडा है। कब आओगी मामू जी गर्मी? बट ज्यादा भी ना आवे, पिछले साल हमको ना आवे। तो मैंने अपना काम शुरू किया है, और हर बार की तरह जब भी मैं काम कर रहा होता था तो थुमकी शूज टू नॉक माई डोर, और वो कमरे में मेरे साथ बैठते, दिखाऊं वो देखो ऐसे बैठेगी मेरे रूम में। इतनी महंगी गैस 231, मैं तो चंगी भली छड़ के गई सी अंकल। That's too high। दोस्तों घर पहुंच गई हूँ मैं फाइनली। Oh my God, मिस फिशी, मिली गुगली, लुक सो क्यूट स्टिल। एंड वहाँ इंडिया में मेरे मम्मा और मेरे भाई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन चेक इन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई फ्यांशु का कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट, एंड आई डोंट नो क्या हो रहा है, तो थोड़ी सी टेंशन है, होपफुली सब ठीक हो जाए। एंड यस यही चल रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ्यांशु को मिस कर रही हूँ मैं। मम्मा जब आ जाएंगे ना देन आई फील बेटर। अभी बहुत घर खाली खाली सा लग रहा है। सो या चलो कुछ करते हैं। दूध नहीं है घर पर, है जो वो मुझे लग रहा है खराब हो गया। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऑफिस का भी मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़े सिक डे ले लूँ आज, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। गला खराब हो रहा है और मुझे लग रहा है रेस्ट की थोड़ी और ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। दोस्तों वर्स्ट एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक सिंगापुर एयरलाइंस का। मैंने कीरत की मम्मा और कीरत के भाई की टिकट कराई थी सिंगापुर एयरलाइंस से, महीने पहले पैसे पूछे सब कट गए थे। आज वो बेचारे दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपको बोर्ड नहीं करने दे सकते क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ। HDFC बैंक से बात करो, कह रहे सर पेमेंट हो चुकी है 1 महीने पहले की, आपका कार्ड वेरीफाइड है, सब कुछ हुआ है। वो बंदी बिल्कुल हेल्प करने को रेडी नहीं है। अब वो पता क्या कह रहे हैं, कह रहे 1.5 लाख की आपने पेमेंट की हुई है फ्लाइट की, 1.5 लाख की और पेमेंट करो और फिर बाद में अपना रिफंड क्लेम करते रहना। बुरी बैंड बजी हुई है। उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दी, कहते आप सिंगापुर एयरलाइन के ऑफिस आ जाओ, और वो है दिल्ली में, चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाओ तब आपका हम कार्ड फिजिकली वेरीफाई करेंगे, वरना आप 1.5 लाख की कैश पेमेंट दो, वरना मैंने कहा कोई आप बैंक ट्रांसफर ले लो, कुछ ले लो, क्योंकि कीरत की मम्मी के पास इतना कैश नहीं है अभी, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। सारा समझाया भी नहीं जा रहा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, 6 बार सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। हेलो फाइनली मम्मा एंड मेरे भाई की बोर्डिंग हो गई है, प्लेन में बैठ गए हैं वो। बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया था बोर्डिंग होने में, लाइक गेट क्लोज होने वाला था, लास्ट मिनट पे पेमेंट दोबारा हुई है और फिर जाकर लाइक दे वर एबल टू बोर्ड द प्लेन। बस अब जल्दी से दोनों ठीक ठाक यहाँ पे पहुँच जाएं। रेडी हो गई थी मैं, बहुत लो फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अर्चू मम्मा से बात करी तो थोड़ा वो मेरे को दिलासा दे रहे थे, एंड मेरा घर पे चाय बनाने का दिल नहीं था। हाय देयर, ऑरेंज पीको मीडियम। और घर पे कुछ भी लाइक दूध खराब हो गया था, ब्रेड भी ठीक नहीं थी, कुछ खाने को था नहीं, तो रात से कुछ नहीं खाया मैंने। बहुत ज़्यादा ऐसे लो है तबीयत, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। और मम्मा से बात की, मम्मा थोड़ा सा ऐसे मेरे को कह रहे थे नहीं कीरत डोंट वरी, उठ उठ जा। और अभी मैकडोनल्ड्स आई हूँ, सोचा यहाँ से ड्राइव थ्रू से ले लेती हूँ चाय और कुछ खाने को ले लेती हूँ, एंड देन आई विल गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। जल्दी से बस मम्मा आ जाएं और मेरा भाई आ जाए, थोड़ा बेटर लगेगा मेरे को। अभी तो अकेला अकेला लग रहा बहुत ज़्यादा। आई मिस यू फियांशू। फाइनली मैं खा रहा हूँ अपना कंफर्ट फूड। 2 चीज़ें मुझे खाने में बहुत पसंद है, 3, एवरीडे मिल्क पाउडर, सैरेलैक और रोज़ा वाला दूध। जब भी मैं टेंशन में होता हूँ मुझे ये 3 चीज़ें बड़ी काम और सूदिंग लगती है। गाइस वॉलमार्ट आ गई हूँ मैं, शॉपिंग टाइम। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वीडियोस कैसे बनाऊँगी फियांशू के बिना, लाइक ही इज़ अ बिग सोर्स ऑफ माई एनर्जी, एंड उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर सकता सच्ची। मसाला मिल गया गाइस, फियांशू के बिना शॉपिंग भी नहीं, ग्रोसरी शॉपिंग भी उसके साथ ही करती होती हूँ मैं। और ऐसे हो रहा था कि फूफू बहुत भारी है मिल्क की बोटल्स, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। आई मिस यू एट एवरी स्टेप यार, यार बहुत ज़्यादा आदत होगी तेरी से। बट कोई ना, जल्दी आ जाओ। ओनली 2 months, एक्चुअली मोर देन दैट आई थिंक। ऐश कर तू, मज़े मार। होम दोस्तों, फीलिंग लिटिल बेटर। अपनी फ्रेंड से भी बात करी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, एंड चाय का भी थोड़ा असर हो रहा है। और अब थोड़ी रेस्ट करूंगी और फियांशू से दोबारा बात करूंगी। गुड नाइट दोस्तों, मैं जा रहा हूँ सोने। कीरत अभी भी जागी हुई है, तो आप अपना दिन कंटिन्यू करो कीरत के साथ। जब मैं उठ जाऊँगा आपको अगले व्लॉग में मिलूंगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय पार्ट ऑफ द व्लॉग। अब आप कीरत का साथ दो, वो बहुत उदास है बेचारी। बाय बाय। इंडिया से न्यू बर्तन आ गए हैं दोस्तों, कुकर और एक और ये पैन भी आ गया। फियांशू कहता न्यू बर्तन लेते हैं, कढ़ाई मस्त मस्त। सुबह से पैटियो में अब जाकर बैठा हूँ, दोपहर हो गई है। पैटियो में भी दिल नहीं लग रहा आज मेरा। फिश के अंदर से बुला ही नहीं रहा, कुकू अंदर आ जा। तबीयत अभी भी ठीक सी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है मेरे को डोलो वगैरह लेनी होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फीवर टाइप्स लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा बीमार इसलिए भी ऐसे ना होम सिकनेस की वजह से हो रही हूँ। आई फील लाइक आई नीड अ वेकेशन आफ्टर अ वेकेशन। दोपहर के 3 बजे से सो रही हूँ मैं, और मैं अभी रात के 1:30 बज गया है। बीच में बस थोड़ी देर के लिए उठी थी, डोलो खाई और फिर से सो गई, एंड फियांशु से बात हुई, दैट्स इट। अब चाय पीऊँगी एंड आपको मिलती हूँ थोड़ी देर तक, कल मतलब के ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।